हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अमेज़ॉन ब्यूटी रिकमेंडेशन हॉल शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अमेज़ॉन पे इस समय सेल चलने वाली है, वो चलेगी 26 to 27, और उस पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 50 to 80% ऑफ मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उस सेल में इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको इजीली मिल जाएंगे, और कुछ प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल हैं और कुछ ड्रग स्टोर के हैं। तो चलिए, अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ मैं शुरू करती हूँ। सो जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर। ये प्राइमर मुझे काफ़ी पसंद है। समय अमेज़ॉन पे इस पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट है। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इजीली इसे परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसका ओरिजिनल प्राइस मैं फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और डिस्काउंट में आपको एक काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज प्राइमर। इसमें एक ड्यूई वेरियंट भी आता है, वो भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सेकेंड है फाउंडेशन। फाउंडेशन है ये कलर बार की 24 आवर वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन। ये फाउंडेशन वैसे तो प्राइजी है, 995 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट ये आपको इजीली डिस्काउंट पे मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है कलर बार पे, और ये फाउंडेशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, बट स्टिल ये ओके है मेरे लिए। मैं इसे यूज़ करती हूँ, अच्छा है, हाइड्रेशन देता है। ऑयली स्किन वाले इसे ना यूज़ करें, ड्राई टू नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है और आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में भी मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। सो ये फाउंडेशन के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है फिटमी का लूज़ पाउडर। ये बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है। इसका वैसे तो प्राइस 695 रुपीज़ है, बट ये डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। इसमें मेरा शेड 25 है, मीडियम। ये मैंने थोड़ा एक स्किन टोन डार्क लिया है, बिकॉज मैं सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद हल्का पाउडर यूज़ करना पसंद करती हूँ समटाइम्स। उससे क्या है, फेस काफ़ी मैट दिखता है और काफ़ी थोड़ी सी कवरेज भी लगती है। सो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इस पाउडर को चूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लूज़ पाउडर है ये। आपके फेस को बेक करने के लिए, अंडर आइज़ को बेक करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है और काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ है। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट जो है फिटमी का मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मेरा शेड है 235 प्योर बेज, और फ्रेंड्स ये भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी, और ये काफ़ी अच्छे से आपके फेस को मैट कर देता है। आप इससे अपनी फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं, ऑल ओवर फेस पे यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा पाउडर है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं इसे अपने फुल फेस को भी सेट करती हूँ समटाइम्स, विदाउट मेकअप भी मैं इसे लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी कवरेज है, तो डेली में इसे यूज़ करना काफ़ी पसंद करती हूँ। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी शेड रेंज, अपने स्किन टोन के हिसाब से अपना शेड चूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस अगर आपकी ऑयली टू नॉर्मल स्किन है तो। नेक्स्ट है ब्राउ पेंसिल। ये ब्लू हेवन की ब्राउ पेंसिल है। वैसे तो इसका नॉर्मल प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ की आपको ये मिल जाएगी, बट स्टिल ये अमेज़ॉन पे डिस्काउंट में है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इसमें दो शेड आते हैं, एक जो मेरे पास है वो है हनी ब्राउन। ये देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका फुल रिव्यू, तो डेफिनेटली आप वो भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और इसका एक आई थिंक ग्रे शेड भी आता है, तो आप अपने आईब्रो के शेड के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जो मैं शेयर करूँ आपके साथ वो है स्विस ब्यूटी के मस्कारा एंड आईलाइनर। इनका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। आपको अमेज़ॉन पे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे ये। आई थिंक मस्कारा का प्राइस 250 रुपीज़ है, बट ये ईजिली आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। और लाइनर 150 रुपीज़ का है, इस पर भी बहुत अच्छे डिस्काउंट है, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लाइनर भी बहुत अच्छा है, और दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं या आप एक नया प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मस्कारा वॉशेबल है, वाटरप्रूफ नहीं है, और लाइनर वाटर रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छा लाइनर है ये। अगर आप विंग लाइनर लगाना भी पसंद करते हैं, तो भी आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए, नेक्स्ट जो है वो है दो ग्लिटर
आई शेडो और आई लाइनर कह सकते हैं आप। फर्स्ट जो है वो है मिस क्लेयर का पर्ल आई लाइनर। आप इसे एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं और लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, ये देखिए इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शेड चूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड आई लाइनर है। ये है रेडियंट लिक्विड आई शेडो फ्रॉम निका के, और इसका शेड नंबर, ये भी काफ़ी अच्छे आई शेडो हैं, लिक्विड आई शेडो हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, और आप इसे एज अ आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, और आई शेडो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको अमेज़ॉन पे ही मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस इसका आई थिंक 500 समथिंग कुछ है, बट डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा ये। आप इन दोनों में से कोई भी लिक्विड आई शेडो या लाइनर चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। इसमें मेरा शेड है मोल्टन गोल्ड, ये मेरा फेवरेट शेड है और मुझे काफ़ी पसंद है। इसका प्राइस भी 550 रुपीज़ है, बट आपको ये डिस्काउंट में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। आई थिंक 300 रुपीज़ या 320 रुपीज़ में आपको ये इजीली मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। और ये काफ़ी प्यारा शेड है, मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर शेड है। अगर आपकी मीडियम डस्की या डीप स्किन है तो ये आपके ऊपर बहुत सुंदर लगने वाला है। और अगर आपको कुछ ऐसे गोल्डनिश टाइप में हाइलाइटर्स पसंद हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है और काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रहा है। डेफिनेटली गो फॉर दिस। देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी दो लिपस्टिक्स। मुझे ये दोनों लिप शेड बहुत अच्छे लगे, इनका रिव्यू भी आई थिंक मैंने अपने चैनल पर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क की क्रीमी मैट लिपस्टिक रेंज में से। इसमें जो मेरा शेड है वो है 817 म्यूटेड, और ये काफ़ी प्यारा ब्राउन शेड है। ये देखिए काफ़ी प्यारा ब्राउन शेड है और मुझे काफ़ी पसंद है ये शेड। ये क्रीमी मैट है बट स्टिल बहुत अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल रहती हैं लिप्स पे। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो मैट लिपस्टिक्स लगाना पसंद नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आएंगी। और ये बहुत प्यारा ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन शेड है, बहुत सुंदर है। ये मीडियम डीप और डस्की स्किन पे बहुत सुंदर लगने वाला है। और अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं स्टिल आप इसे ट्राई कर सकते हैं, सुंदर शेड है। आप अगर डीप शेड लगाना पसंद करते हैं तो ये आपको पसंद आने वाला है। देन नेक्स्ट शेड है इसका मेजर क्रिम्सन 816, और ये भी बहुत प्यारा न्यूड शेड है। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा शेड है, देखिए ये फेयर टू मीडियम स्किन पे बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके थोड़े पिगमेंटेड लिप्स हैं तो इसे आप एक अच्छे डार्क लिप लाइनर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगने वाला है। ये दोनों शेड्स हैं और ये आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। इसका ओरिजिनल प्राइस आई थिंक 299 रुपीज़ है, बट ये आपको 219 या 220 रुपीज़ में मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं और ये क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं। जो लास्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो लास्ट प्रोडक्ट है मेरे वो आई शेडो हैं। ये है मार्स की आई शेडो पैलेट और इसमें मेरा शेड है स्मोक इट अप, और इसका प्राइस आई थिंक 199 रुपीज़ या 200 रुपीज़ है। मैंने इसे सेल में ही परचेज़ किया था और ये काफ़ी अच्छी आई शेडो पैलेट है। अगर आप एक बिगनर हैं या आप एक अच्छी आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर पैलेट है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसके शेड बहुत सुंदर हैं। इसमें ब्लैक है और इसमें मेटालिक शेड हैं, दो मेटालिक शेड हैं और 7 मैट शेड हैं, और बहुत ही सुंदर शेड हैं। और फुल साइज मिरर मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए शेड, इसके शेड देखिए कितने सुंदर हैं और बहुत ही पिगमेंटेड हैं। और इसमें फुल साइज मिरर मिलेगा आपको। इस समय आप डिस्काउंट में से डेफिनेटली परचेज कीजिएगा, ये हाईली रिकमेंडेड आई शेडो पैलेट। इसमें दो चार शेड्स और आते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो वाला वेरियंट चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ब्लैक कलर का आई शेडो नहीं था और कुछ इस टाइप के डार्क ब्राउन शेड्स नहीं थे, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। इस आई शेडो का फुल रिव्यू बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर आएगा, आप तब इसकी फुल रिव्यू डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं।
और नेक्स्ट जो लास्ट आई शेडो पैलेट है वो भी अमेजोन से है, आई थिंक स्टार मेकर कंपनी है उनकी तरफ से है, और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। आप ये देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है। इसका प्राइस भी 250 रुपीज़ आई थिंक था, मैंने इसे डिस्काउंट में लिया है। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे कितने की पड़ी है मैं वो भी आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बट ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैंने परचेज़ की है अमेज़ॉन से डेफिनेटली। और इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी है, मैं आपको इसके शेड दिखाती हूँ। ये देखिए इसके शेड देखिए कितने सुंदर हैं। सो इसके अंदर टोटल 5 मैट शेड हैं और 7 मेटालिक शेड हैं, और 2 इसमें आपको ऐसे फॉइल ग्लिटर कह सकते हैं आप, फॉइल ग्लिटर टाइप 2 आई शेडो आपको मिलेंगे। एक ग्रीनिश में है और एक पिंक में है, एक नियॉन ग्रीन में है और एक पिंक में है। सो इन दोनों में काफ़ी अच्छे चंक्स हैं ग्लिटर्स के, और आपको फुल साइज मिरर मिलता है इस तरफ। ये देखिए बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। सो अगर आप एक अच्छे आई शेडो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें बहुत कुछ ब्राइट कलर्स भी हों और कुछ ग्लिटर्स भी हों, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस आई शेडो पैलेट का भी फुल रिव्यू मैं जल्द ही करूँगी, तो आप डेफिनेटली वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी पैलेट, आप नए आई शेडोज ट्राई करना चाहते हैं, आप नए नए आई शेडोज ट्राई करते रहते हैं, या आप एक बिगनर हैं, तो डेफिनेटली आप इस टाइप के आई शेडो पैलेट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा अमेजोन रिकमेंडेशन हॉल, ब्यूटी मेकअप हॉल। आप इसमें से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं अमेजोन से, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इन पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट, थैंक यू।